हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में। तो ये एक ओएस का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो इससे पहले हमने व्हाट इज स्केड्यूलिंग एंड स्केड्यूलिंग के टाइप्स के बारे में जाना था। इन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, एज द नेम सजेस्ट, द प्रोसेस विच अराइव्स फर्स्ट गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, और वी कैन से दैट प्रोसेस विच रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट गेट द सीपीयू एलोकेटेड फर्स्ट। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा उसी को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज जस्ट लाइक द फीफो क्यू डेटा स्ट्रक्चर, वेयर द डेटा एलिमेंट विच इज एडेड टू द क्यू फर्स्ट इज द वन हु लीव्स द क्यू फर्स्ट। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है, ये फीफो क्यू डेटा स्ट्रक्चर के जैसे ही काम करता है। जैसे कि फीफो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में एक क्यू रहता है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, तो जो डेटा एलिमेंट्स पहले ऐड होते हैं वही पहले जाके प्रोसेस होते हैं। और ये जो फीफो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ये भी सेम तरह से ही वर्क करता है। यहाँ भी एक तरह का क्यू ही रहता है जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस एक के बाद एक स्केड्यूल होके रहते हैं, और जो प्रोसेस पहले नंबर पे स्केड्यूल होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद जिन जिन प्रोसेसेस का नंबर आते जाता है वैसे ही वो एग्जीक्यूट भी होते जाते हैं। और ये जो एल्गोरिदम है, ये मेनली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है। और इस एल्गोरिदम का यूज़ करने का एक और रीज़न है, जो कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है एंड इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस एल्गोरिदम के अंदर हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे प्रोसेसेस को स्केड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो न्यू प्रोसेसेस होते हैं वो क्यू के टेल से एंट्री करते हैं, और इनको स्केड्यूलर क्यू के हेड पार्ट से लेके एग्जीक्यूट करवाता है। ए परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ FCFS स्केड्यूलिंग इज बाइंग टिकट्स एट द टिकट काउंटर। तो जो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो है टिकट काउंटर का, जहाँ पर जो पहला बंदा लाइन में खड़ा होता है वो सबसे पहले, तो जब काउंटर खोलता है तो उसी को सबसे पहले टिकट मिलता है, और उसके बाद जाके बाकी के बंदे को मिलते हैं जो कि उस लाइन में सीरियल वाइज खड़े हुए हैं। तो कुछ इस तरह से FCFS एल्गोरिदम वर्क करता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, हमने FCFS एल्गोरिदम के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।